लोकसभा में आज का दिन बहुत ही खास रहा। आज दिन भर यहाँ पर बहस चली, जिसके बाद नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग हुई और बिल लोकसभा से पास हो गया। पर्चियों के जरिए वोटिंग करवाई गई और इस बिल को लेकर जो फैसला हुआ वो हम आपको बता देते हैं। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े, जबकि 2 वोट इसके विरोध में पड़े। हालांकि यहाँ बड़ा सवाल ये कि आखिर वो 2 लोग कौन हैं और किस पार्टी से हैं, जिन्होंने महिलाओं का वोट तो उनको देना चाहिए था, मतलब महिलाओं का वोट तो उनको चाहिए, लेकिन जब महिलाओं के उत्थान की बात आई तो उन्हें जिस वोट की जरूरत थी वहां वो सियासतदान पीछे हट गए। उस 2 वोट के बिल के पास होने ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल तो पास हुआ ही, 2/3 बहुमत से पास हुआ, या कह सकते हैं एक तरफा पास हो गया, 454 वोट पक्ष में पड़े। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही कि आखिर वो लोग कौन जिन्होंने वोट नहीं किया, आखिर जो इस दौरान अनुपस्थित रहे और जो 2 लोग बिल का समर्थन नहीं कर पाए या नहीं किया उन लोगों ने, वो कौन है, तो बड़ा सवाल बरकरार। इन सब के इतर महिला आरक्षण बिल पर जैसे जैसे चर्चा हुई वैसे वैसे सियासत भी होती रही, क्योंकि पहले तो विपक्ष ने भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया, लेकिन चर्चा के दौरान शर्तें लागू कर दी गई, वो भी ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की शर्तें लागू की गई, और इसी पर अब सियासी गलियारों से सदन तक संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल सोनिया गांधी ने कहा जल्द से जल्द लागू किया जाए आरक्षण बिल, तो जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। सोनिया गांधी ने कहा कि SC/ST ओबीसी के लिए अलग से कोटा हो, तो जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा कि हमने मजबूत महिला आरक्षण बिल पेश किया है। जब सोनिया गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल राजीव गांधी का सपना था, तब जवाब में कांग्रेस जो बिल लाई थी वो कमजोर था, ये कहना बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से। और इसी को लेकर दोनों तरफ से संग्राम छिड़ा हुआ नजर आया। एक रिपोर्ट के जरिए आज दिन भर क्या कुछ घटा है सदन के भीतर वो आपको दिखा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 2024 से ठीक पहले मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का बिल पेश किया, तो देश में चारों तरफ मोदी की चर्चा होने लगी। विपक्ष भी मोदी सरकार के स्टंट को समझ नहीं पाई और पहली बार में कांग्रेस के साथ ही BSP और समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया। लेकिन जैसे ही इस बिल की बारीकी को समझा गया, सभी विपक्षी दल नींद से जागे और फिर विरोध शुरू हो गया, और ये विरोध ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने के समर्थन में था। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है, इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है, हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष? 4 वर्ष? 6 वर्ष? 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर चर्चा के दौरान समर्थन और विरोध के सुर एक साथ उठे, तो सदन के बाहर भी इस मुद्दे को उछाला गया और शर्तों के साथ मायावती ने कहा कि ये बिल लागू हो जाएगा, लेकिन फौरन लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी जनगणना और परिसीमन होना बाकी है। ये बिल साफ नियत से नहीं लाया गया है। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा, और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी, और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा, और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। यानी कि बिल का समर्थन है लेकिन शर्तों के साथ, और यही बात अखिलेश यादव ने भी दोहराई।
उन्होंने कहा जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता तो बीजेपी सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मतलब ये कि जिस मास्टर स्ट्रोक से मोदी ने तमाम महिलाओं को साथ लाने की कोशिश की अब उस पर सियासत हो रही है और अप्रत्यक्ष रूप से इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है और मुद्दा ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का उठाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष के इस विरोधाभास पर बीजेपी भी हमलावर है। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन SC/ST इन द थर्ड जनरल इलेक्शन, नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द थर्ड जनरल इलेक्शन। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। खैर, अब देश की नजर महिला आरक्षण बिल पर जा टिकी है और उम्मीद बस यही लगाई जा रही है कि 2024 से पहले इस बिल को दोनों सदनों से पारित किया जा सके ताकि संसद के साथ ही विधानसभा की भी तस्वीर बदले और महिलाओं को पूरा हक मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो महिला आरक्षण बिल आज लोकसभा में पास हो गया लेकिन राजनीति कल से ही देखने को मिली और बिल पेश होने से लेकर अभी तक अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया और बिल पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी दिया। कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया नया ख्याल अभी अभी आया है?